हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। हम पुराने सूट से बच्चों का नया गाउन बना के तैयार करेंगे। देखते हैं, ये देखिए बच्चों का गाउन, ये रेडी है गाउन बनके। ऐसा गाउन बनेगा, ये इस टाइप का एक ऐसा सूट था, बस कलर अलग है। ऐसा ग्रीन कलर का ये सूट हुआ करता था, पुराना था। इसके ऊपर वाले पोर्शन से मैंने चोली निकाल ली है, इसको यहाँ से कट करके और मुड्ढों की साइड से वैसे ही जैसे हम सूट की कटिंग करते हैं वैसे उसकी चोली निकाल ली। और फिर चोली निकालने के बाद उसको कट कर लिया अच्छे से। सच में फ्रेंड्स, बिना पैसे लगे और बहुत ही अच्छी चीज बनके रेडी हो जाती है। बिना कुछ खर्च किए हम बहुत ही प्यारा सा गाउन बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है इस तरह से। सेम वही है जो था, बस कलर अलग है। इसको यहाँ तक सिलाई कर देंगे जिससे गला बड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चों का सिर छोटा होता है। और ये बाजू आर्म जो है, इनके अच्छे से कटिंग करके शेप देके कटिंग करके और इनको या तो पाइपिंग लगा देंगे या फिर अंदर से फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से अच्छे से, ताकि लुक अच्छी आ जाए। अब ये मेरे पास एक नेट का कपड़ा पड़ा हुआ था, ये भी ऐसे वेस्ट रखा हुआ था। इसको मैंने नीचे का पोर्शन बनाने में इसको यूज किया है। और इसके अंदर जो अस्तर है वो मैंने इस सूट की सलवार को ही यूज किया है। उसका पूरा अस्तर मैंने जितना ऊपर नेट वाला कपड़ा था उतना ही अंदर दूसरा कपड़ा लिया है। ये देखिए, फुल घेर वाला गाउन बनके रेडी है। अब इसमें हम प्लेट्स डाल देंगे। ये सीधा ही कपड़ा था, इसके अंदर बस मैंने प्लेट्स डाली हुई है, गोलाई में कोई कटिंग नहीं की इस तरह से। ये बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन इसका प्लेन था। चोली के अंदर भी अस्तर का मैंने यूज किया है। और नीचे की साइड इसमें लेस लगा दी है। लेस आपके पास हो तो आप चौड़ी भी लगा सकते हो, आप इसको डबल करके भी लगा सकते हो, या दो शेड की है तो वो भी आप लगा सकते हो। फुल मैंने इसके अंदर अस्तर का यूज किया है। ये नेट है, ये देखिए, और इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। ये कुछ इस तरह से, इसके अस्तर हम लगा दिया था इसके। और ये देखिए, ये फुल गाउन बन के एकदम रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।